नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज जो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वायरल है। इसके बारे में कई सारे लोग जान चुके हैं और कई लोग अभी भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। आज मैं इसी भविष्य मालिका के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी से लेकर 6 महीने पहले मैंने इस पर काफ़ी सारे रिसर्च किए, कई वीडियोस देखे, कई आर्टिकल्स पढ़े, कई लोगों से बातें की और उसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने कोशिश की है कि भविष्य मालिका से मिली हुई जितनी भी जानकारियाँ मुझे हो पाई हैं वो सब का सब मैं आप लोगों को बता सकूँ। भविष्य मालिका एक ऐसी किताब है, एक ऐसा ग्रंथ है जो उड़िया भाषा में लिखा हुआ है और यह किताब ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ है। इसकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो समय के अनुसार वहाँ के जो महंत हैं वो एक एक करके समय के अनुसार खोल रहे हैं। इस भविष्य मालिका के बारे में जो सबसे पहले मेरी जो निष्कर्ष मुझे किसी से पता चला था वह यह मुझे मालूम चला कि ये जो भविष्य मालिका है इसके जो पन्ने हैं वो समय के अनुसार यहाँ के जो महंत हैं वो खोलते हैं। मतलब जब उसका समय आएगा, जब उस चीज़ को होना है तभी वो उस पत्ते को खोलते हैं और उसको प्रकाशित किया जाता है। अभी तक 6 महीने में जो मेरे पास जानकारी मुझे मिली है वो सारी मैं डिटेल्स आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि आखिर क्या क्या इस 6 महीने में हो चुका है और आगे होने वाला है। भविष्य मालिका में कई ऐसी चीज़ें वर्णित हैं जो हम लोगों ने अभी पिछले कई वर्षों में वो सारी घटनाएं हमारे सामने हुई हैं और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस भविष्य मालिका को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उन्होंने खुद उस चीज़ को अनुभव किया है और इसकी वजह से उसकी सत्यता को सभी वहाँ के जो उड़ीसा के जो लोग हैं वो सभी इसको मान रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ये भविष्य मालिका है वो किसने लिखा है। भविष्य मालिका आज से 600 साल पहले श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। ऐसा माना जाता है कि वे पंच सखा में से एक थे और उन्होंने भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं वो देख लेते थे पहले ही और उसके आधार पर उन्होंने ये भविष्य मालिका लिखी थी। भविष्य मालिका के कई पन्ने अभी तक खोले जा चुके हैं और जो श्री अच्युतानंद दास जी थे अगर हम उनके बारे में पता करें तो हमें उनके बारे में यह पता चला है कि जब त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ था उस समय उनका जन्म हुआ था नल के रूप में और द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी के जन्म के समय उन्होंने सुदामा के रूप में जन्म लिया था और कलयुग में उन्होंने श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में जन्म लिया। श्री अच्युतानंद दास जी की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ वायरल हुई हैं और बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो सत्य हो चुकी हैं और आगे आने वाले समय में कई और भविष्यवाणियाँ जो वहाँ के महंत द्वारा खोली जाएंगी वो आगे हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे। भविष्य मालिका में जो सबसे पहली चीज़ ये लिखी हुई है कि जो हमारा भारत का जो परिवेश है उसमें चौथा युद्ध लड़ा जाएगा। जब हम बात चौथा विश्व युद्ध की बात करते हैं तो अभी तक अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो सिर्फ 3 युद्ध हुए हैं और विश्व युद्ध की जो बात चल रही है उसमें 3 युद्ध हुए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जी हाँ, अगर भारत का हम युद्ध देखा जाए तो वो चौथा ही होगा, क्योंकि अगर श्री
श्री राम के समय में जो युद्ध हुआ उसे हम पहला युद्ध माने, और दूसरा जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब दूसरा हुआ था, और महाभारत का तीसरा युद्ध माना जाएगा, और जो अब आने वाले समय में लड़ा जाएगा उसे भारत का चौथा युद्ध माना जाएगा। लेकिन अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो आने वाला जो युद्ध है वो तीसरा विश्व युद्ध माना जाएगा। हमारी जो संस्कृति है वो सनातन काल से ही बहुत पुरानी है, कई लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष की हमारी जो ये सनातन धर्म की संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। इसकी वजह से जो हमारा ये युद्ध होगा विश्व स्तर पे, जिसमें भारत भी भाग लेगा, वो चौथा विश्व युद्ध माना जाएगा भारत का। अब अगर हम बात करें कि भविष्यवाणियों की, तो उसमें भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि आने वाला समय 2022 के बाद, 2022 से ही, 2022 से ही जो समय है वो विश्व युद्ध का तैयार होगा, और सबसे पहला जो शुरुआत होगा वो रूस इस युद्ध का शुरुआत करेगा, और धीरे धीरे और जो देश हैं वो इस युद्ध में भाग लेंगे। जैसा कि हम अभी के समय में देख सकते हैं कि रूस ऑलरेडी युद्ध कर रहा है यूक्रेन से, और वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है, और ऐसा माना जाता है कि जो विश्व युद्ध होगा वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। 6 साल की अवधि मानी गई है, भविष्य मालिका में ऐसा लिखा हुआ है कि 6 साल कुछ महीने ये विश्व युद्ध चलेगा, जिसमें से 13 महीने, आखिरी के जो 13 महीने हैं उसमें भारत भी भाग लेगा। भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका में एक भविष्यवाणी है जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत के समय श्री कल्कि जी का अवतार होगा, और कल्कि जी सत्य की पथ पर होंगे, सत्य की राह पर वो निष्कलंक चलेंगे, बहुत सारे जो राक्षस हैं जिसे हम कली के नाम से जानते हैं उनका वो वध करेंगे, और बुराइयों को हटाकर वे सत्य के धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में यह सारी घटनाएं होंगी, और जो ये कलयुग का अंतिम चरण है उसमें जब कली का अंत हो जाएगा, कल्कि जी एक सत्य राह पर चलकर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कई विशेषज्ञों की माने और भविष्य मालिका में लिखी हुई भविष्यवाणियों के अनुसार जो अभी का समय चल रहा है वो संधिकाल चल रहा है, कलयुग का अंत हो चुका है। अगर भविष्य पुराण की हम देखें तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि 432,000 सालों के बाद जो कलयुग का अंत होगा, लेकिन अगर हम भविष्य मालिका को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत अब चल रहा है, 5,000 साल में ही कलयुग का अंत हो चुका है, और ये संधिकाल चल रहा है, और यहाँ से हम सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। भविष्य मालिका के अनुसार सतयुग में वही प्रवेश करेंगे जो धर्म की राह पे होंगे, जो सत्य की राह पे होंगे, जो श्री कृष्ण और श्री कल्कि जी के अनुयायी होंगे, उनके साथ जुड़े हुए होंगे, ऐसे लोग ही सत्य की राह पर चल पाएंगे। जो जनसंख्या है वो बहुत सारे जनसंख्या एकदम अचानक से कम हो जाएगी और घटकर सिर्फ 74 करोड़ लोग ही सतयुग में जा पाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार जो कलयुग का अंतिम चरण होगा वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होगा। इसमें ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहेगी, और जो अंतिम राजा होगा वो एक योगी पुरुष होगा, उसकी कोई भी संतान नहीं होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और
वो भी एक योगी पुरुष हैं, उनकी कोई भी संतान नहीं है। इसी क्रम में अगर हम योगी जी की बात करें तो अगर अगला प्रधानमंत्री योगी जी बनते हैं तो वो भी एक योगी पुरुष होंगे और वो अविवाहित हैं। कुछ भविष्यवाणियाँ इस तरह की जो साक्षरता स्पष्ट दिखाई दे रही है अभी के समय में कि हाँ यही चीज़ें होने वाली हैं। इस तरह भविष्यवाणी मालिका में लिखा हुआ है कि जो अंतिम चरण होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाएंगे, जो पशु होते हैं वो हिंसक हो जाएंगे, जंगलों से भागकर वो शहरों की तरफ आ जाएंगे, लोगों पर काफ़ी अटैक करेंगे। कुछ समय ऐसा होगा कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगे, उसकी वजह से कुछ ऐसी महामारी फैलेगी, कुछ ऐसी बीमारियां फैलेंगी जिसका इलाज नहीं होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कोरोना टाइम ऐसा ही था, बहुत ही ज़्यादा लोगों की क्षति होगी, हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी और ये सारी चीज़ें घटनाएं हम 2021 में देख चुके हैं। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि पुरी में जो प्रजापति होंगे वो उनकी जो अंतिम प्रजापति होंगे वो उनकी भी संतान नहीं होगी और जो पुरी का राजा होगा वो बालक बुद्धि वाला होगा, मतलब होगा तो बड़ा लेकिन उसकी जो बुद्धि होगी वो बालक समान होगी। इसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रलय आएगा, एक ऐसा सुनामी आएगा जिसकी वजह से उड़ीसा के कई राज्य डूब जाएंगे और जगन्नाथ धाम, जो कि माना जाता है कि जगन्नाथपुरी इतना अलौकिक दिव्य स्थान है, वहाँ से तीनों जो मूर्तियाँ हैं सुभद्रा जी, बलदेव जी और श्री कृष्ण जी, उनको वहाँ से हटाकर छातिया 12 में ले जाया जाएगा। भगवान को अपना स्थान वहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ टेररिस्ट या आतंकवादियों द्वारा वहाँ पर हमला होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पहले ही भगवान वहाँ से हट जाएंगे। इस तरह की कई सारी भविष्यवाणियाँ उसमें लिखी हुई है जिसके अनुसार जो चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा और जो वहाँ का पताका जो लहराता रहता है वो गिर जाएगा। ऐसी भविष्यवाणियाँ की गई हैं कि कुछ समय पहले मंदिर में जो जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ हैं तीनों में कपड़े में आग लग जाएगी और खून के छींटे उस मंदिर के प्रांगण में देखे जाएंगे, कई सारी अप्रिय घटनाएं उस प्रांगण में देखी जाएंगी। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा भव्य और इतना पवित्र स्थान है जहां पर इतनी सिक्योरिटी है, वहां पर आपने कई सारी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि जहां पर कुछ दिन पहले एक किन्नर ने आत्महत्या कर ली थी, विष्णु स्तंभ है वहां पर और उस पर चढ़कर उसने आत्महत्या की थी। तो इस तरह से कई ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो भविष्य मालिका में लिखी हुई हैं और वो साबित हो चुकी हैं कि वो सच है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंतिम चरण में जो मानव है वो बिल्कुल विपरीत प्रकृति का हो जाएगा, महिलाएं महिलाओं से ही प्रेम करेंगी, पुरुष पुरुषों की तरफ आकर्षित होंगे और ये सारी घटनाएं भी हम सभी इस तरह की घटनाएं भी देख चुके हैं और ये मान्य है, लोगों में ये प्रचलन चल गया है, लोग इसे मान रहे हैं और बिना किसी विरोध के इस चीज़ों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भविष्य मालिका जो आज से 600 साल पुरानी किताब है, ग्रंथ है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि एक ऐसा हाईवे का कॉन्सेप्ट भी नहीं था उस समय, और हाईवे एक ऐसा तैयार किया जाएगा जो जगन्नाथपुरी को सभी जगह से जोड़ेगी।
भविष्य मालिका की ज़्यादातर जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। और मुझे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर हम आज के सिनेरियो को देखें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अग्निपथ का एक नियम, एक ऐसा योजना जो लोगों के बीच लेकर आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तैयारी की तरफ उनकी जो राह है उसको दिखाती है। क्या ऐसा माना जाए कि भविष्य मालिका को प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम भविष्य मालिका में लिखी हुई है और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें साबित हो रही हैं। उन्हीं में एक घटना यह भी है कि चारों धाम से कुछ ना कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं मिलेंगी जिसकी वजह से पता चलेगा कि हाँ, ये कलयुग समाप्ति की तरफ है। उसमें ही अगर हम देखते हैं कि जो बद्रीनाथ धाम है वो लुप्त हो जाएगा। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और वहाँ से बद्री जी को उठाकर भविष्य बद्री में स्थानांतरित किया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जिनको मैं बयां नहीं कर सकती और जो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सच क्या है वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको भविष्यवाणियाँ बताई हैं वो बिल्कुल सत्य, उसमें से कई चीज़ें बहुत ही सत्य हो चुकी हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, औरों तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।